अभी तो ये दो लोग तो बहुत बोल दिए है ना। हाँ, अब मैं क्या बताऊं, क्या बात करूं नीरू जी, चलो कुछ भी बात करता हूँ। आदिलाबाद एक जगह है तेलंगाना में, वहां मैं पैदा हुआ, वहीं पर मेरी 10वीं तक की पढ़ाई हुई। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं मैं, फिर ये कलाओं के उसमें चला गया। बड़ौदा में पढ़ पढ़ा करके फिर मैं वापिस आ गया आदिलाबाद। आदिलाबाद में उस समय पे बहुत लोग जिंदा थे, बहुत बुजुर्ग बुजुर्ग लोग जिंदा थे, उनसे कुछ सीखने के लिए मैं वापस आ गया था वहां से, क्योंकि वो जितने जितने भी कारीगर जो लोग थे उस समय के, वो आखिरी लोग थे उस समय, उस कारागिरी के आखिरी लोग थे जो सारी विद्याओं को बहुत गहराई से जानते थे। उसके बाद व्यवस्था टूटने लग गई थी, धीरे धीरे सारा समाज संचार जाति वाला होने लग गया था उस समय पे। तो मेरे को लगा कि अब ये विद्याओं के, इसके बाद अब कोई विद्यावाद नहीं रहेगा यहाँ पे, तो इसलिए जितना जल्दी हो जाए ये सारी विद्याओं को सीख लूँ। और उस समय थोड़ा बहुत पुराण वराण भी पढ़ते थे, तो पुराणों की एक कहानी है कि ऋषियों को पता चला कि प्रलय आने वाला है, तो ऋषि लोग बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजों का बीज इकट्ठा करके एक नाव में चढ़ गए। प्रलय आया, धरती डूब गई, नाव बह गई। जब प्रलय शांत हुआ तो उसके बाद जब धरती बाहर निकली तो वो ऋषि लोग उसी बीजों से फिर एक सृष्टि की है। एक कहानी आती है, एक आज से 35-40 साल पहले भी हमको लोगों को भी ऐसे लगा कि एक प्रलय आ रहा है, उस प्रलय में यहाँ का सब कुछ खत्म हो जाएगा, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, भारतीय विज्ञान, भारतीय विद्याएं, भारतीय व्यवस्थाएं, ये सब उस प्रलय में खत्म हो जाएगा, कोई बचेगा कुछ नहीं। तो हम लोग तो जो पाश्चात्य विज्ञान है वो एक प्रलय की तरह ही हमारे पास में आया है, तो जिसमें यहाँ का कुछ बचेगा नहीं, ये उस समय हमको लगा। तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों को लगा कि हर सारी चीज का बीज इकट्ठा कर लिया जाए, ताकि फिर कभी काम में आए, तो आएगा कभी काम में। तो बीज क्या था, तो मैं यही देखता था कि हमारे आसपास एक 20 किलोमीटर के भीतर लोग कैसा जीते हैं, वो सारी चीजों को कैसे बना लेते थे, वो विज्ञान क्या था, वो विद्याएं क्या थी, तो जल्दी से जल्दी उसको इकट्ठा कर लिया जाए कि लोहे से लेकर के वो लोग कागज और काजल तक अपने गांव में कैसे बना लेते थे। हमारे इलाके में बहुत लोहा बना है, हर गांव में लोहा बनता था, साल का 1 लाख टन लोहा वो लोग बनाते थे। 2000 साल पहले ग्रीक के लोग, यूनान के लोग बहुत लोहा वहां से खरीदते थे, और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी भी वहां से बहुत लोहा खरीदी है। कोई ऐसा गांव नहीं था, जंगल का गांव, जहां लोहा नहीं बनता था, हर गांव में लोहा बनता था। और 1902 के बाद धीरे 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 वो लोहा बनना खत्म हो गया, बंद हो गया। और जब हम घूम फिर रहे थे उस समय, लोहे के भट्टियों में उस काम में काम करने वाले लोग जिंदा थे, जिनसे बहुत सारी जानकारियां हम लोग ले रहे थे, लेते थे। वो गांव के लोग लोहा भी बनाते थे, कागज भी बना लेते थे, काजल भी बना लेते थे, हर चीज वो लोग अपने गांव में बना लेते थे, हर चीज वो लोग बनाने की ताकत रखते थे। यहां तक कि पारा भी वो लोग निकालते थे, नमक से पारा निकालते थे लोग, और हिंगोल से पारा निकालते थे। ये नारियल का जो होता है ना, नारियल फोड़ने के बाद उसका जो टपरा होता है वो इकट्ठा करके रखते थे, उसमें से पारा निकालते थे लोग।
उसमें से भी पारा निकालते थे भाई। घूमते फिरते हुए उस समय ये जो बुजुर्ग बूढ़े जो जिंदा थे आखिरी लोग थे उनसे सारी विद्याएं देखा मैं। बालों से तांबा निकालते थे लोग, बालों से तांबा निकाल लेते थे। ये सब कुछ बहुत कुछ ये होते हुए देखा हूं मैं, बहुत सहज बहुत आसानी से लोग करते थे। हर धातु को के बारे में बहुत अच्छा जानते थे लोग, धातुओं के लक्षण के बारे में बहुत अच्छा जानते थे। ये सारी चीजें बहुत कुछ बनता हुआ देखा हूं मैं। नमक, कई तरह के नमक बनता हुआ देखा हूं, लोग एक ही तरह के नमक पर आधारित नहीं थे। कई सारे पौधों को उबाल करके भी वो नमक निकालते थे, कुछ नमक तो मैं भी बनाया उनके साथ में, नमक निकाल लेते थे। तो ये सारी विद्याएं उस समय जो थी उस समय पे वो मैं सीखना चालू किया, इकट्ठा करना चालू किया, ये कैसे कैसे सब ये कर लेते हैं। आखिरी आखिरी पीढ़ी के लोग थे, कोई 80 साल का था, कोई 90 साल का था उस समय पे, तो एक छोटा सा आश्रम बना के सारे बूढ़ों को पकड़ के ला के रख लिया था मैं अपने पास में कि कम से कम इनकी आखिरी ज़िंदगी तो अच्छे से बीते, उनकी थोड़ी बहुत व्यवस्था करके। कोई अंधा हो गया था, मतलब गजब के जानकार लोग थे। एक बड़ा एक बुजुर्ग था बूढ़ा, बड़ा गुस्से में बैठा हुआ था, वो बड़ा गुस्से में गालियां बक रहा था, क्या क्या कर रहा था। तो मैं वहां बैठा बात करने, तो उसको और भी गुस्सा आ गया खूब। तो इतने में फिर बातचीत होने लग गई, तो एक मास्टर साहब आ गए। वो आ करके उसको बोलते कि काका घंटा बनाना है, बना करके दोगे क्या। तो बोले कि हाँ घंटा बना देता हूँ मैं। कितने समय का नाद आना चाहिए उसमें से, ये पूछे, कितने समय का नाद ला सकते हो। उन्होंने बोला तुम जितने समय का बोले उतने समय का नाद ला दूंगा मैं, उसमें क्या है। तो बोले कि 2 मिनट का नाद आना चाहिए, एक बार बजाने के बाद 2 मिनट तक उसकी आवाज गूंजना चाहिए। ठीक है मैं बना देता हूँ। 140 रुपये बात किया, वो 20-30 रुपये दे के गया और ये घंटा बनाया। घंटा बनाने के बाद जब वो मास्टर साहब लेने के लिए आए तो वो घंटा बजाया, घड़ी देखा तो कुछ सेकंड बाकी रह गए थे, आवाज़ खत्म हो गई, सुनाई नहीं आ रही है। तो काका 2 मिनट तो नहीं बजा घंटा, तो मैं चल मैं तेरे को बताता हूँ। तो घंटे को एक धागा बांधे और उसके हाथ में दिए और ये बजाए, बराबर 2 मिनट तक उस धागे में कंपन था। हाँ बोले ये देख है ना, ये कंपन था। तो ये सारी विद्याओं के जानकार बहुत। घर के आंगन में हम लोग ऐना बनता हुआ देखे, सूरज देखने का जो ऐना होता है ये घर के आंगन में। औरतें आती थी, चाहे तो पुराने आईने को नया करती थी, चाहे तो नए आईने तैयार करती थी। बहुत आसानी से छोटी सी भट्टी बना करके उसी वहीं पर वो आईना तैयार करके पॉलिश करके दे के चले जाती थी। ये सारी सहज विद्याएं बहुत सहज और बहुत आसानी से वो लोग करते थे। ये सारी चीजें, मनियारी का सामान बेचने वाली जो औरतें थी वो मोतियां बनाती थी, बहुत तरह के मोती बनाती थी वो, और ऐना बनाती थी, और कंगी बनाती थी। कंगी तो भड़ाई बनाते थे, मगर ये ऐना बना करके भड़ाइयों को देती थी, और भड़ाई इनको सिंह की कंगी बना करके देते थे जो ये बेचती थी औरतें। तो ये सब तो देखता रहा मैं बड़ी आसानी से, और घूमता बहुत था। तो मेरा घूमना कोई ऐसा कोई रिसर्च है ऐसा कुछ पता ही नहीं था ना कि कुछ होता है ये सब कुछ। अच्छा लगता था, घूमता था मैं बस, कि ये सारी जानकारियाँ ले ले, कभी काम में आएगी नहीं आएगी वो भी सोच नहीं थी। मगर ये विद्याएं है और ये आखिरी आखिरी बूढ़े है, ले लेना चाहिए। मगर जब लोग हम लोग जब घूमते थे, मेरे साथ कोई ना कोई रहता था, साइकिल लेके जब निकलते थे तो हम कुछ देखने के लिए नहीं निकलते थे बाहर, कुछ देखने के लिए नहीं निकलना है, कुछ भी देखने के लिए निकलते थे। ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं था, कुछ भी देखने के लिए निकलते थे। जब कुछ देखने के लिए निकलेंगे अगर वो चीज़ नहीं दिखाई देगी तो निराश होंगे, जब कुछ भी देखने निकले हैं तो बहुत कुछ दिखाई देता है ना। ऐसा तो वो कुछ भी देखते थे हम लोग।
जो भी दिखाई दे जाए वो देखना है, उसके बारे में जानकारी लेना है लोगों से। उसमें एक बार मैं बैठे बैठे देखा कि एक कुम्हारनी मिट्टी में घोड़े की लीद मिला रही है, तो घड़ा बनाने के लिए घोड़े की लीद मिलाना पड़ता है। मैं घोड़े की लीद ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जितने पशु पक्षियों का मल है ये क्या क्या काम में आता होगा, तो उसकी जानकारियां निकाला। हर चीज का, हर जीव का मल क्या क्या काम में आता है, उसके बारे में इतनी बातें बताए वो लोग। कबूतर के मल में से गंधक निकलता है, गंधक निकालते थे, तार बांध देते थे, उस पर टट्टियाँ ये मक्खियाँ बैठती थी, और वो जो मल है वो इकट्ठा करते थे लोग, उसको रखते थे छोटी पुड़िया में बांध के। खेत में काम करते जाते समय माँ बच्चे के मुंह में इतना सा लगा के चले जाती थी, माँ आए जब तक बच्चा बड़ी मस्ती से सोता था, है ना। तो ये हर जीव राशि के मल को भी इतने ढंग से लोग इस्तेमाल करते थे, बड़ा गजब का लगता था। किसी जीव के गधे को घास खिला करके उसकी लीद से कागज बनाते थे लोग, कागज बना देते थे। और वहाँ तो खैर इतने कारीगरी थी पूरी, काफ़ी कारीगर लोग जिंदा थे। एक कारीगर का वेस्ट मटेरियल दूसरे कारीगर का रॉ मटेरियल हो जाता था। ऐसे जहाँ जुलाहे हैं बैठे हुए, उनका जो भी वेस्ट मटेरियल होता था वो कागज बनाने वाले ले जाते थे, उससे कागज बनाते थे। ऐसे हर कारीगर का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो किसी न किसी कारीगर का रॉ मटेरियल होता था। वो सब एक दूसरे से बड़े अच्छे जुड़े हुए लोग थे। ये सारी विद्याएं, ये सारी टेक्निकें हम लोग खूब देखे हैं, खूब मस्ती से। सोना कैसे शुद्ध करते हैं, चांदी को शुद्ध करने का क्या ढंग है, गहने क्या क्या धातुओं से बनते हैं, क्यों वो धातुओं से बनते हैं, ये सारी चीज़ें देखते रहा मैं खूब आराम से, और बहुत जानकारी लिए। बहुत सारी विद्याओं को हम लोग सोचे थे कि आश्रम में वो टेक्निकों का एक म्यूजियम बना डाले, कि लोग लोहे से लेकर कागज और काजल तक अपने घरों में कैसे बनाते थे, वो विद्याएं क्या थी, वो टेक्निक क्या थी, उसका म्यूजियम बना देंगे करके। क्योंकि आगे आने वाली संतान शायद देखे कि कभी ऐसा सब कुछ कर लेते थे लोग अपने पास में, तो वो सब देखते रहे, जानकारियां लेते रहे पूरी, और उसके साथ साथ व्यवस्थाओं को समझना। फिर एक तरफ तो ये विद्याएं हैं, ये विद्याएं कैसे पनपी थी, कैसे लोग करते थे, क्या व्यवस्थाएं थी उसकी इतनी विद्याएं पनपने के लिए। तो व्यवस्थाओं के बिना तो इतनी बड़ी विद्याएं नहीं पनपती है कहीं भी, तो वो विद्याओं के लिए व्यवस्थाएं क्या थी ये भी समझे फिर हम लोग, कि कैसे होता था पूरा सब कुछ, इनकी व्यवस्था कैसे थी। तो पूरा एक गांव जब दिखाई देने लगा, गांव में ये सारी चीज़ें हैं, तो हमारे पास के गाँव में चार चीज़ें होती थी मुख्य, था विज्ञान, आध्यात्म, कला और सामाजिक अर्थशास्त्र। ये चार चीज़ें अगर एक गांव में नहीं है तो श्रेष्ठ गांव नहीं है, ये होता था। पूरा विज्ञान होना है, आध्यात्म होना है, कलाएं होना है, और उसके साथ फिर एक सामाजिक अर्थशास्त्र होना है। तो हम लोग अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश किए कि ये समाज कैसे जीता था। हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था वे प्रधान अर्थव्यवस्था थी, आय प्रधान नहीं। हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी, गांव की जो अर्थव्यवस्था थी, वो वे प्रधान थी। हर आदमी को कैसे कितना खर्च करना चाहिए ये तय किया गया था, कैसे कमाना है ये नहीं था। वो वे प्रधान एक विद्या थी, व्यवस्था थी पूरी। ये वे प्रधान अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या कोशिशें की गई थी। हमारा समाज तीन व्यवस्था, तीन वृत्तियों पर ही जीता था, कर्म वृत्ति, वैश्य वृत्ति और भिक्षा वृत्ति। पूरा समाज ये तीन वृत्तियों पर ही जीता था, चौथी कोई वृत्ति हमारे पास में नहीं थी। कर्म वृत्ति वो लोग होते हैं
जो जड़ पदार्थ से सृष्टि करते हैं वो कर्मवृत्ति वाले लोग हैं। लोहा जड़ है, लकड़ी जड़ है, सोना जड़ है, चमड़ा जड़ है, मिट्टी जड़ है, जड़ पदार्थों से सृष्टि करने वाला सारा समाज कर्मवृत्ति में आता था। चेतन से चेतन की वृद्धि करने वाला सारा समाज वैश्य वृत्ति में आता था, जो चेतन से चेतन की वृद्धि करता है। जैसे किसान एक जमीन में एक बीज डाल करके हजारों बीज पैदा करता है, अपने हाथ से नहीं बनाता है। एक ग्वाला 10 गाय से 100 गाय करता है, एक धनगर 100 बकरियों से 1000 बकरी करता है। इस तरह की वृद्धि करने वाला सारा समाज वैश्य वृत्ति में आता था। और तीसरी वृत्ति थी भिक्षा वृत्ति, एक थी तीसरी वृत्ति थी भिक्षा वृत्ति, जिसकी करीब कोई 7000 उपजातियां रही है ऐसा लगता है। पूरी बहुत बड़ा समाज भिक्षा वृत्ति पे जीता था। कर्म वृत्ति और वैश्य वृत्ति वाले लोग भूमि को समृद्ध करते थे, भिक्षा वृत्ति वाला समृद्धि से निर्लिप्त रहने की बात करता था कि ये समृद्धि ही सब कुछ नहीं है, इससे निर्लिप्त रहना है। क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था वे प्रधान थी, हरेक को का छोड़ने का मानस होना पड़ता था। यहाँ पर छोड़ने का मानस बनाने के लिए बहुत कुछ हमको करना पड़ता था। तो ये रहा है, तो भिक्षा वृत्ति एक बहुत बड़ी वृत्ति रही है हमारे पास में, जिसकी कोई करीब 6-7 हज़ार के आसपास उपजातियां रही है। ऐसा बहुत बड़े समाज को तो हम लोग देखे हैं भिक्षावृत्ति वालों के। तो ये जो था कि ये गांव में ये 3 वृत्तियों पर ही सारा समाज जीता था, चौथी कोई वृत्ति नहीं थी। बात ये है कि कई बार हम लोग ये बात करते थे लोगों से कि लोग गांव में ही जीना क्यों पसंद किए, गांव की ही व्यवस्था क्यों बनाए, क्यों, क्या गांव को क्या मानते हैं, गांव की व्यवस्था क्या बनाए। तो कुछ बुजुर्ग लोग बोलते थे, गुरुजी जैसा ये प्रकृति जीती है ऐसा हम क्यों नहीं जी सकते। जो प्रकृति है, चींटी अपना आहार ढूंढने के लिए कितना दूर जाती है, ज्यादा ज्यादा 4-5 गज। एक पशु अपना आहार ढूंढने के लिए कितना दूर जाता है, ज्यादा 2-4 किलोमीटर। और एक पंछी संध्या समय अपने घोंसले में लौट आएगा, उससे ज्यादा की दूरी तो तय नहीं करेगा। जो सारे जब पशु पक्षियों के लिए आहार है, आहार की व्यवस्था है, और वो अपनी परिधि में ही जीते हैं, उसकी परिधि में ही, उसकी एक परिधि भी बनी हुई है कि इस परिधि से बाहर तुमको जाना नहीं है, इस परिधि में ही तुमको 12 महीने आहार मिल जाएगा। तो क्या मनुष्यों को ऐसी कोई परिधि नहीं है क्या? तो ऐसी परिधि मनुष्यों के लिए भी तो होना चाहिए कि सुबह निकले और शाम में लौट के आ जाए अपने घर, बस उतनी ही परिधि में हमको जीना चाहिए जैसे सारे जीव जीते हैं। इसलिए हम लोग उसी परिधि एक परिधि में जी लेते हैं, उसमें क्या है। परिधि छोड़ करके बाहर निकलने का मतलब है या तो किसी के भोजन पे कब्जा करना या किसी की गुलामी करना। ये 2 से 8 के तीसरा ढंग क्या है बाहर निकल के जीने का। तो इसलिए गांव की जब भूमि, गांव का जब भूमि पूजन होता था तो ये तय करते थे कि कम से कम इस गांव से 500 साल के लिए कोई जीने के लिए बाहर नहीं निकलेगा। उस संख्या के हिसाब से अपनी सीमा कायम कर लेते थे। यात्राओं के नाम पे देश भर घूमेगा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए देश भर घूमेगा, मगर जीने के लिए उसको सिर्फ अपने गाँव में ही जीना है, उसके बाहर वो जीने के लिए नहीं निकलेगा। वो एक प्रकृति से प्रेरणा लेकर के गांव की रचना कर लिए थे वो लोग कि इस परिधि में हम लोग जी सकते हैं तो जी लेना चाहिए, क्यों और दौड़ लगाना है। ये रहा। तो फिर कई बार ये बात आती है कि गांव ही क्यों, क्योंकि हमारे पास में अति प्राचीन काल से गांव की व्यवस्थाएं रही हैं, शहरों को नहीं पनपने दिया गया था। इंद्र का एक नाम है पुरंदर। जब भी कोई शहर 2-4 लाख की आबादी से ज्यादा होता तो उसको नाश कर डालता था, इसलिए उसको पुरंदर कहा गया। शहरों को नाश कर डालता था वो, क्योंकि वो लोगों का ये मानना था कि एक शहर
आज जैसे देखते हैं हम लोग, आज शहर एक बड़ी नदी को नाश किया है और आसपास के हजारों गांवों को तबाह कर दिया है ना, ये होता है, ये तो होता है। वो लोग बोले थे कि इसकी जरूरत क्या है, गांव की व्यवस्था बना लेंगे। मगर गांव की व्यवस्था, गांव कैसे बनना है, ग्राम की अपनी परिभाषा क्या है, जिसकी परिभाषा नहीं पता है वो कैसे जिएगा। तो पाश्चात्य पूरा समाज, उनकी बात करने का आधार विज्ञान होता है, पाश्चात्य लोगों का बात करने का आधार विज्ञान है। हमारे पास में बात करने का आधार विज्ञान कभी नहीं रहा है, व्याकरण रहा है, व्याकरण रहा है, विज्ञान नहीं रहा है हमारे बात करने का आधार। ये तो अब ये बात की, हमारे पास में जितने शब्द पैदा, जितने शब्द है वो कैसे, उसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी किस धातु से उत्पत्ति हुई है, उसका मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा अगर हम जानते हैं तो हमारा जीने का ढंग अलग हो जाता है ना। इसलिए हमारे पास बहुत बड़ा आधार विज्ञान रहा है, व्याकरण रहा है बात करने का। अब हम लोग वो भूल गए, व्याकरण को भूल गए सीधे से, इसलिए हमको किसी चीज की परिभाषा नहीं पता है। तो अभी ग्राम, जो गांव की जो बात होती है, तो ग्राम किसको कहा जाता है, गांव किसको कहा जाता है, इसकी कुछ तो परिभाषा होना है। तो पूरे हिंदुस्तान में, पंजाब में गांव को पिंड कहते हैं, उत्तर हिंदुस्तान में देहात कहते हैं, तेलुगु में ऊरु कहते हैं। मैं जितने हिंदुस्तान की भाषाओं को देखा हूँ, गांव से संबंधित जो उसके शब्द है, जो नाम है, उसका जब कहीं ना कहीं परिभाषा या मतलब निकालते हैं तो पिंड का मतलब क्या होता है, पिंड का मतलब होता है एक शरीर। देहात का मतलब क्या है, देह, वो भी एक शरीर है। ऊरु का मतलब क्या है, तेलुगु में ऊर जो है, उर्वी से पैदा हुआ है, उसका मतलब होता है शरीर। तो हमारे लोग गांव को एक शरीर मानते थे, उसकी वो परिभाषा थी, एक शरीर है। तो जैसे हम अपने शरीर को सुरक्षित और व्यवस्थित रखते हैं, ऐसे ही हर एक की आहार की सुरक्षा और गौरव की व्यवस्था करने वाले मानस के लोग जहां जीते हैं वो ग्राम कहलाता है। ये बात कि आहार की सुरक्षा और गौरव की व्यवस्था करने वाले मानस के लोग जहां मिलकर जीते हैं वो ग्राम कहलाता है। सीधे से ग्राम ग्रह धातु से निकला है, और ग्रह का मतलब होता है विशाल घर जिसमें बहुत लोग जीते हैं। तो इसलिए हमारे पास गांव की जो रचनाएं हुई है, प्राचीन गांव, वहां पूरे गांव की एक छत होती थी, सारे गांव। ऐसे ओडिशा में कुछ गांव है, पूरे के पूरे गांव की एक ही छत होती थी, जहां सबकी छतें एक दूसरे से मिलते जुलते चले जाती थी, तो एक ही छत मानी जाती, वो एक ही घर माना जाता था। हमारे पास में जब घर बनाने की बात आती थी गांव में, तो वो जो वास्तुकार है, जो गजपति है, वो भूमि पर खड़े रह करके दो प्रश्न पूछता था उससे कि तुम्हारे पास कितना पैसा है और कितने गज का घर बनाना है। वो संख्या बोलना पड़ता था, उससे एक हिसाब करता था, वो भूमि की जन्म कुंडली बनाता था। मगर जब घर बनाते समय पे मपाई जो है वो बाजू के घर से, जो वहाँ घर है उससे मपाई चालू करते थे। वहाँ ये भाव होता था कि जो घर है उसको हम बढ़ा रहे हैं, हम अपना घर नहीं बना रहे हैं। ऐसा यहाँ वो भाव था कि जो घर है उसको हम बढ़ा रहे हैं, अपना घर नहीं बना रहे हैं। ये भाव वहां होता था। इसलिए गांव में एक मंजिला अगर घर है तो उसके बगल में 10 मंजिला मकान नहीं बन सकता था, वो निषेध था। उससे ये कितना ऊंचा हो सकता है उतना ही ऊंचा होना है। सारे गांव का एक डिजाइन होता है पूरा ना। ये तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो गांव के निर्माण के लिए जो सोची जाती थी। गांव में एक विशेष बात बहुत ध्यान रखते थे कि जब ये दो कोने मिलते हैं, इसको मूला बोलते हैं तेलुगु में, ये और ये कोना और ये कोना आपस में से नहीं मिलना है, उसको आगे पीछे किया जाता है। तो हम लोग कई बार पूछते थे कि ये मिलने से क्या होगा, तो बोलते कि ये मिलने से प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ता है, कॉम्पिटिशन का भाव बढ़ता है, इसलिए गाँव में कॉम्पिटिशन नहीं हुआ, प्रतिस्पर्धा नहीं गाँव में।
अभी मेरे पास में बहुत सारे लड़के आए, लोग आए, टीचर आए बच्चों को लेके, गुरुजी हम बच्चों में इंसानियत पैदा करना चाहते हैं। मैं बड़ी अच्छी बात है, करो भाई पैदा। तो इंसानियत पैदा करना है तो मतलब कंपटीशन को तो निकालना पड़ेगा ना। कंपटीशन अगर शब्द है, प्रतिस्पर्धा अगर शब्द को तुम महत्व दे रहे हो तो फिर इंसानियत की बात तो नहीं करना चाहिए। ये कंपटीशन में सहयोग नहीं होता है। बिना सहयोग के इंसानियत कैसी है? दोनों साथ नहीं चलते। फिर मानवता की बात करते हैं तो जिससे मानवता खत्म होती है उस शब्द को हटाना पड़ेगा, कंपटीशन को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास तो अति प्राचीन काल में ये सोचा गया था कि थोड़ी सी लाइन में भी फर्क आते ही क्या हो जाता है, किस तरह के भाव पैदा होते हैं दिमाग में, उसके बारे में बहुत गहराई से सोचा गया था ना। तो ये सारा ये हम लोग देखते रहे कि गांव की रचनाएं कैसी है, गांव की डिजाइनिंग कैसी है पूरी, क्यों इस तरह के डिजाइन को महत्व दिया गया, हमारे लोग डिजाइन को क्या मानते थे, असल डिजाइन को मानते क्या थे। अभी हम लोग बहुत जगह पे घूमते हैं, NID वालों का बोलना ये होता है कि डिजाइन समस्या का समाधान है, कि बैठना एक समस्या है उसके लिए जो किया जाएगा वो डिजाइन है। ये वास्तुकारों का, आर्किटेक्ट लोगों का बोलना ये होता है कि डिजाइन सुविधा है, एक सुविधा मानते हैं। और बहुत लोगों का बोलना ये है कि डिजाइन रोजगार पैदा करने वाली मशीन है, जिसको जितना ज़्यादा डिजाइन आता है उतना ज़्यादा कमाई करेगा, ये है। तो भैया मैं कई बार हम लोग सोचते थे कि डिजाइन क्या समस्या का समाधान है क्या, हमारे लोग क्या मानते थे? अगर पानी पीने की कमी को पूरा करना है तो एक कारीगर को गिलास बनाना बहुत आसान है, मगर हमारे लोग गिलास क्यों नहीं बनाए? हिंदुस्तान की किसी भाषा में गिलास के लिए कोई शब्द है क्या? कोई शब्द नहीं है, या तो गलासू बोलेंगे या गिलास, कुछ भी एक है बोलेंगे मगर गिलास ही बोलेंगे। तो हमारे कारीगर गिलास क्यों नहीं बनाए? इतना आसान डिजाइन वो लोग क्यों नहीं बना रही? पानी पीने की कमी को पूरा करना है तो गिलास बहुत आसान है एक कारीगर के लिए, मगर वो मरमर के गड़वा बनाया है, लोटा बनाया है ना। तो फिर हमारे लोग डिजाइन के बारे में क्या सोचते थे, क्या मानते थे? हमारे पास में ये मानना रहा है कि जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, मगर जीवात्मा और परमात्मा के बीच में माया नाम की एक जो चीज है वो जीवात्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देती, इसलिए उस माया को वश में करना है। तो ये जो डिजाइन है ये माया है सीधे से, जो तुमको कई बार परमात्मा के पास करती है, कई बार परमात्मा से दूर भी कर देता है। परमात्मा के पास और दूर करने में डिजाइन की बहुत बड़ी भूमिका होती है ऐसा। तो ये डिजाइन पे हमारे लोग बहुत सोचे थे कि कैसा होना चाहिए, इसलिए विशाल भवन से लेके छोटी झोपड़ी तक हमारे पास में कोई भी चीज सीधी लाइन में नहीं बनी है, कोई भी चीज सीधी लाइन में नहीं बनी है। सीधी लाइन की हर सारी चीज को लोग निषेध कर दिए थे, गिलास में सीधी लाइनें होती है वो नहीं करना है। विशाल भवन से लेके छोटी झोपड़ी तक या सड़कें भी सीधी लाइन में कहीं नहीं बनी है। वहां पर आसपास के पास पहाड़ और झाड़ किस तरह के हैं उसको देख करके उससे मिलती जुलती लाइनिंग ही तैयार की गई है। गांव का जो डिजाइन होता था पहले, जो किया गया था शुक्र नीति के अनुसार, हिंदुस्तान के 18 भाग है भौगोलिक क्षेत्र को जो बांटा गया है, 18 भूभाग है हमारे पास में शुक्र नीति में, अंग वंग कलिंग द्रविड़ पांचाल अगिंचाली विदर्भ, ये सब 18 भूभाग है। उसके बाद भाषा भोजन भेष भवन के आधार पे हिंदुस्तान के 108 भाग हो जाते हैं, 108 भाग होते हैं। हर 25-50 किलोमीटर के बाद ये सब कुछ बदल जाता था, भाषा भी बदलती थी, भोजन भी बदल जाता था, वेशभूषा भी बदलती थी और भवन भी बदल जाता था, घर का डिजाइन भी बदल जाता था। इतनी डिजाइनिंग थी हमारे पास में, इतना डिजाइन हमारे पास में था। और एक गांव में 360 डिजाइन होते थे,
साड़ी अगर बांधी जा रही है तो 360 डिजाइन की है साड़ी, एक गांव में इतना डिजाइन। तो ये कैसे होता था इतना डिजाइन, कैसे किए थे वो लोग पूरा, इसकी जरूरत क्या पड़ गई थी, है ना। तो वो जो सोचते थे पूरा कि ये जो घर गांव बसना है, गांव कैसे बनना। तो गांव की सबसे बड़ी जो प्रेरणा घर की जो रही है, हर इलाके में घास रखने का अपना एक अलग ढंग है। पूरे हिंदुस्तान में बहुत तरह से खेतों में घास रखा जाता है। हम लोग उस घास के ढेर को देख करके बोल सकते हैं कि यहाँ का देवालय कैसे होगा और यहाँ के घर कैसे रहे होंगे, है ना। हर भौगोलिक क्षेत्र में घास रखने के अपने ढंग है। वो ये देखते थे कि ये जो भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ की जो जलवायु है, घास जैसी चीज अगर एक साल सुरक्षित रह जाए तो जिस तरह की डिजाइनिंग में अगर वो सुरक्षित रह गई है एक साल तक, तो वो उस इलाके के लिए बहुत परिपक्व डिजाइन है। वही लाइनिंग उस जगह की सारी चीजों में चलती थी, वहां के देवालय में, वहां के घर में, ये सारी वही एक लाइन चलती थी। तो एक विशाल देवालय से लेकर के खेत में जो घास का ढेर रखा हुआ है, वो सारी चीजों की लाइनिंग एक जैसी ही चलती थी। वो उनकी अपनी सौंदर्य दृष्टि थी, उनका अपना एक दृष्टिकोण था, सौंदर्य दृष्टि थी उनकी अपनी, कि इस तरह से अगर होता है तो ये सुरक्षित भी है और सुंदर भी है, सुंदर भी है पूरा का पूरा। तो गांव का वो सब कुछ किए हैं। तो अब वो कि हमारे लोग तो माया मानते थे गांव को, इसलिए एक घर के 5 लक्षण होते हैं कुलकर्णी जी। सबसे पहला लक्षण होता है घर आरोग्य के लिए श्रेष्ठ रहे, दूसरा है घर आर्थिक रूप से सहयोग दे, तीसरा लक्षण है घर आध्यात्मिक दिशा में बढ़ाए, चौथा लक्षण है घर प्रकृति से प्रेम सिखाए, और 5वां लक्षण है घर सामाजिक होए। ये 5 लक्षण जिसमें नहीं होते वो घर घर नहीं होता है। ये ऐसे तो ये 5 लक्षण होना बहुत जरूरी है। तो एक तरफ तो ये है पूरा, मगर दूसरी तरफ जो जीवन शैली बनाई गई है हिंदुस्तान की, जीवन शैली भी प्रकृति पर से, प्रकृति से प्रेरणा लेकर के बनाई गई जीवन शैली भी। तो हमारा एक श्लोक है पूरा, बहुत सुंदर एक श्लोक है, पूर्ण मदह पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है, पूर्ण में अगर पूर्ण मिलता है तो भी पूर्ण है, पूर्ण से अगर पूर्ण निकल जाए तो भी पूर्ण है, हर परिस्थिति में परिपूर्ण रहना। जैसे प्रकृति होती है, एक वृक्ष पे फूल खिलता है सुंदर है, अगर वो नहीं है तो हम कोई कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा फूल खिलता तो सुंदर होता, और जो है जैसा है वो सुंदर है। अरे एक पक्षी अगर बैठ जाए, पंछी अगर बैठ जाए तो सुंदर है, हम तो कोई कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा पंछी बैठता तो सुंदर होता। अगर पंछी उड़ जाए, वो जहाँ बैठा है वहाँ सुंदर है, ये वृक्ष अपने आप में सुंदर है, दोनों मिलते हैं तो भी सुंदर है, अलग होते हैं तो भी सुंदर है, किसी में कोई कमी नहीं होती है। इसको दृष्टि में रख करके हमारा पूरी हमारी पूरी जीवन शैली बनी थी कि एक ऐसी व्यवस्था कि किसी के पास कुछ है तो ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, नहीं है तो उसकी कमी को महसूस ना करें, दिमागी तौर से परेशान नहीं रहना है तो ज़्यादा नहीं लगना है, नहीं है तो उसकी कमी को महसूस ना करे, ऐसी भी एक जीवन शैली हो सकती है ना। और वो हमारे पास में डिजाइन के द्वारा किया गया था, डिजाइन के द्वारा इस तरीके की जीवन शैली को खड़ा कर दिया गया था। बहुत सारी चीजों के साथ में हमारे पास में प्रकृति से बहुत जबरदस्त प्रेरणा ली गई है। भवन का निर्माण जैसे होता था, देवालयों का निर्माण जैसे, एक बीज जमीन में डालते हैं तो अंकुरित होता है, बड़ा सुंदर लगता है, दो पत्ते निकलते हैं तो बड़ा सुंदर है, छोटा सा पौधा हो जाता है तो बड़ा सुंदर है, विशाल वृक्ष होता है तो सुंदर है, दुर्भाग्य से अगर वो सूख जाए तो बहुत लंबे समय तक सुंदर दिखाई देता है। तो हमारे निर्माण में इस चीज को रखा गया था कि हर समय शुरुआत से लेकर आखिर तक वो हर पल हर समय वो सुंदर दिखना चाहिए। इसलिए जब देवालयों को देखते हैं या पुराने खंडरों को देखते हैं, बड़ा अजीब लगता है, देवालय चबूतरा बना है वो अपने आप में पूर्ण है, उससे ऊपर उठा है पूर्ण है, पूरा शिखर तक बन गया है पूर्ण है,
जहां तक वो बन के रुकता है वहां तक वो पूरा हो जाता है, और उस जगह तक वो सुंदर दिखता है, अधूरा नहीं दिखता है, सुंदर दिखता है। और पूरा बनने के बाद सुंदर है ही। अगर दुर्भाग्य से अगर खंडर हो गया तो भी बहुत लंबे तक समय तक बहुत सुंदर दिखता है, है ना। आज भी हमारे खंडर बहुत सुंदर दिखाई देते हैं ना। अब ये आधुनिक भवन निर्माण शुरू करते हैं जब तक पूरा नहीं होता है, बड़ा भयंकर दिखाई देता है, भय लगता है उसको देख करके ना। पूरा बनने के बाद वो सुंदर दिखता है, जरा सा भी पुराना हुआ तो उसको देख के भय लगता है, फिर कभी ऊपर गिर पड़ेगा पता नहीं चलता है ना, डर लगता है। ये डिजाइनिंग के बारे में हमारे पास, डिजाइन के बारे में हमारे पास बहुत सोचा गया था कि कैसा डिजाइन होना चाहिए इसके बारे में। तो ये सारा कुछ रहा है कि घर कैसा होना चाहिए, वेशभूषा कैसी होना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, ये सब ऐसे होना चाहिए कि कुछ है तो ज़्यादा नहीं लगना है, नहीं है तो उसकी कमी को महसूस नहीं करना है, है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अब जैसे हमारे घर बनते थे, छोटे छोटे गाँव में जो घर बने हुए हैं, विशाल विशाल मकान बने हैं, खाना तो वो लोग भी खाए, सोए तो वो लोग भी, अतिथि सत्कार वो लोग भी किए, मगर इतने विशाल मकानों में जगह रुकने वाली कोई चीज नहीं थी, जगह रुकने वाली कोई चीज नहीं थी। पीटे लगते थे, पाट लगते थे, भोजन होता उठा के कोने में रखते थे, खटियाएं बिछती थी, लोग सोते थे उठा के कोठे में डालते थे, चटाई शतरंजी बिछती थी, स्वागत सत्कार होता लपेट के एक बगल में रखते थे। हाँ, घर में एक तखत पलंग जरूर होता, कोई बुजुर्ग आदमी उस पर पड़ा रहता, या कोई महात्मा आए तो चढ़ के बैठ जाता उस पर, या बस्ती में नाटक ड्रामा करते तो बच्चे उठा के ले जाते, उससे ज्यादा काम का नहीं था। इतने विशाल मकानों में जगह रुकने वाली कोई चीज नहीं थी, जबकि आज जगह संख्या बढ़ गई, जमीन कम हो गई है, घर जो बनने लगे हैं तो ये घर छोटे छोटे घर बन रहे, मगर इसमें जगह रुकने वाली चीजें क्यों इस्तेमाल होने लग गई है? फिर हर घर में दुनिया भर की जगह रुकने वाली चीजें इस्तेमाल होती है ना। तो हमारे शास्त्रों में एक बात आती है कि घर से निश्चिंत रहो, गृहस्थी से निश्चिंत रहो, कोई शास्त्र नहीं बोलता है। घर ऐसा होना चाहिए जो तुमको निश्चिंत रखे। तो हमारे जो घर थे, वास्तु शांति करके उसमें घुसने के बाद घर की अपनी कोई मांग नहीं होती थी। वहां तो एक खटिया भी सुंदर लगी, गुदड़ी भी अच्छी लगी, कुछ नहीं है तो रंगोली डाल के भी लोग बैठ के भोजन पानी किए, सब सुंदर ही सुंदर रहा है। उस घर की अपनी कोई मांग नहीं होती थी कि इसके बिना तुम नहीं जी सकते, ये लाना चाहिए। आधुनिक घर वास्तु बहुत वास्तु को देख करके बन रहे हैं, इसकी वास्तु शांति करके उसमें घुसते ही घर की अपनी मांग चालू होती है कि ये लाओ, वो लाओ, डाइनिंग टेबल लाओ, देखो पलंग लाओ, सोफा लाओ, फलाना। एक घर को म्यूजियम बनाने के लिए दिन रात खटता है आदमी। जिस घर में आदमी आर्थिक रूप से इतना परेशान रहेगा, वो साहित्य संगीत परमात्मा सरमात्मा ये कब सोचने वाला बनेगा? इन सारी चीजों के बारे में सोचने वाला तो आध्यात्मिक होता है ना। तो घर आर्थिक रूप से बहुत निश्चिंत रखे, ये हमारे पास में गांव में काफी सुंदर ढंग से सोचा गया था कि घर हमको परेशान नहीं करना है। और कोई घर हमारे पास सीधी लाइन को जरा भी अच्छा नहीं मानते हमारे लोग। बाण सीधा जाता है उसका धर्म है काटना, सीधी लाइन हमेशा काटती है। जब से सीधी लाइन वाले मकान बनने लगे हैं, इसके पीछे का झाड़ भी कटा हुआ नजर आता है, पहाड़ भी कटा हुआ नजर आता है, सब आधा आधा नजर आता है। जो चीज आधी नजर आती है, कटी हुई नजर आती है, उसके साथ हमारा सामने नहीं हो सकता, रिश्ता नहीं बन सकता है। उसके साथ अगर संबंध बनाना है तो फिर वो कैसा डिजाइन होना है उससे मिलता जुलता होना है जो उसके साथ सामने करे। ये तो रहा है। उसके बाद में फिर और भी बहुत कुछ सोचा गया है। हमारे पास धातु दो तरह की माने गई है, सुर धातु और असुर धातु। जमीन के भीतर की जो धातु है वो असुर धातु माने जाती है, और जमीन के ऊपर की जो धातुआ है वो सुर माने जाती है। तो हम लोग घर के निर्माण में सुर धातुओं का निर्माण करना है, असुर धातु का नहीं। ये असुर धातु का कितना निर्माण, जितनी धातुआ है, लोहा है और सारी धातुएं है, कितनी मात्रा तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये पैमाना तय है। जिस चीज को हम अपनी जिंदगी में तैयार नहीं कर सकते हैं उसको हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना।
वृक्ष है, झाड़ है, हम अपनी जिंदगी में चार बार पैदा कर सकते हैं, लोहे को तो पैदा नहीं कर सकते ना। जो लोहा 100 साल में खत्म हो रहा है, समुद्र के किनारे तो और जल्दी खत्म होता है लोहा, है ना। जो 100 साल में खत्म हो रहा है उसकी जमीन में जो प्रक्रिया होती है कम से कम 60,000 साल लगते हैं। जो चीज़ 60,000 साल में तैयार हो रही है उसको 100 साल में खत्म करना, तो अति प्राचीन काल से हमारे लोग ये पैमाने तय रखे हैं कि किस चीज को कितना इस्तेमाल करना चाहिए। वो गजब का ज्ञान रहा है हमारे लोगों के पास में, वो इतना सब कुछ रहा है। तो खैर बहुत सारी चीजें हैं, मगर एक तरफ प्रकृति से प्रेरित होकर के जीवन शैली को जो बनाए, क्या होता है कि भारतीय जो जीवन शैली है ये बहुत धीमी गति वाली रही है, बहुत धीमी गति वाली जीवन शैली रही है। जैसे नदी जब मंद मंद बहती है तो बहुत कुछ पनपता है, वायु जब मंद मंद बहती है तो बहुत कुछ पनपता है, ये दोनों अगर तीव्र गति में आ जाए तो बहुत नाश होता है ना। भारतीय जीवन शैली बहुत धीमी जीवन शैली रही है, इसलिए हमारे पास में इतना कुछ पनपा, बहुत कुछ पनपा। क्योंकि जब जीवन शैली धीमी गति की होती है तो सोच की गति तीव्र रहती है, जब जीवन शैली अगर तीव्र गति की हो जाए तो सोच की गति एकदम मंद पड़ जाती है, गड़बड़ हो जाती है पूरी की पूरी, है ना। ये चीज हमारे लोग बहुत धीमी जीवन शैली की, जीवन शैली धीमी थी, इसलिए इतनी विद्याएं पनपी, इतनी कलाएं पनपी हमारे पास में। हर जाति का अपना वाद्य होता है, अपना संगीत होता है, अपना नृत्य होता है। अब ये जो जाति शब्द है, मेरा हमेशा बोलना एक है कि जब गांव की व्यवस्था बनाई जाती है तो एक गांव में बहुत विषयों के ज्ञाता लोग होना चाहिए। कोई मिट्टी के काम का ज्ञाता है, कोई सोने के काम का ज्ञाता है, कोई लोहे के काम का ज्ञाता है, कोई लकड़ी के काम का, कोई चमड़े के काम का ज्ञाता है। एक गांव में बहुत विषयों के ज्ञाता लोग होना पड़ता है। तो ये जो ज्ञाता लोग थे, अपने अपने विषय के मास्टर लोग थे, वो ज्ञाता थे, वो अपने आप को ज्ञाती मानते थे। अगर उससे पूछते कि तुम किस विषय के ज्ञाती हो तो बताता कि मैं मिट्टी के काम का ज्ञाता हूँ। मगर एक गड़बड़ ये हो गई है कि बहुत जगहों पे संस्कृत में ज्ञ की जगह ज्ञ लगाते हैं, यज्ञ की जगह यज्ञ बोलते हैं, वो होता है। तो ज्ञाति जाति बन गया हमारे पास में, है ना। वास्तव में हमारे पास जाति कोई शब्द नहीं है। जाति जो उपयोग में लाया जाता है ये मनुष्य जाति, ये पशु जाति, ये वृक्ष जाति, इन सबको जाति के रूप में लिया जाता है। ये वृक्ष जाति का है, ये पशु जाति का है, ये पक्षी जाति का है, ये मनुष्य जाति का है। जाति उस हिसाब में उपयोग में लाया जाता है, ऐसा इस तरह से उपयोग में कभी लाया नहीं गया है। ये तो ज्ञाति है, अपने अपने विषय का ज्ञान है, भरपूर भयंकर ज्ञान है इनके पास में। एक एक के पास में इतना गजब का ज्ञान होता था। अब जैसे एक बार ये हुआ, जब हम लोग दिल्ली में थे बैठे, वहाँ IIT में कार्यक्रम चल रहा था, तो कोई लड़के आ गए पढ़े लिखे, वो आके कुम्हार से पूछ रहे कि ये मटका जल के लाल, ये मिट्टी जल के लाल क्यों हुई, ये कुम्हार क्या बोलता है ना। वो उससे पूछ रहे ये मिट्टी जल के लाल क्यों हुई, तो मैं बोला ये जानता नहीं, इसको इतना पता है कि मिट्टी जल के लाल होती है ना। वो जानता है कि कितने टेम्परेचर में कैसी लाल होती है, जानता है, मगर तुमको इसका ये सब कुछ बता नहीं पाएगा, इसलिए पूछना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ये इनको ये कोई उस तरह की जानकारी रखने वाले लोग नहीं है, इनका सब कुछ अपना विषय अलग है, इनकी जानकारी की पद्धतियां अलग है, सब कुछ अलग है। मैं आप लोग ये पढ़े हैं तो आप लोग बता दो कि मिट्टी जल के लाल क्यों होती है, वो पूरी प्रक्रिया तुम लोग बता दो। तो हाँ हम तो बता सकते हैं, मैं बता दूँ फिर फटाक से, नहीं नहीं जानकारी लेना पड़ेगा अभी है। तो मैं वहाँ से एक टांगा जा रहा था, तो मैं सहज ही उनको पूछ लिया कि ये टांगा कितने हॉर्स पावर में चल रहा है, ये सब सोच में आ गए।
मैं कंबख्त एक घोड़ा लगा है, एक आर सौ का पावर है, सामने देखती हुई चीज का पैमाना नहीं लगा सकते हो, और ये कुम्हार से पूछ रहे हो, ये तेल निकालने वाले तेली से पूछ रहे हो कि इसमें कितनी ताकत लगी है, कैसा बताएंगे बेचारे ना ये लोग, उनको ये बड़ी गड़बड़ की बात है ना। वो सारे ज्ञाती एक गांव की व्यवस्था में, हमारे लोगों का ये मानना था कि दुनिया हमारा गांव नहीं है, हमारा गांव हम हमारी दुनिया है, दुनिया की जितनी दुनिया में जितनी चीजें बनती है वो हम अपने गांव में बना देंगे, वो हम अपने गांव में क्यों नहीं कर सकते हैं, वो कर लेंगे। इसलिए हर विद्या को लोग अपने गांव में घुसने की कोशिश किए। जब टेक्नोलॉजी छोटी होती है तो समाज उसको व्यवस्थित करता है, और बड़ी टेक्नोलॉजी समाज को व्यवस्थित करती है, ऐसा है। कारखाने अगर छोटे हैं तो समाज उसको व्यवस्थित करता है, और बड़े कारखाने समाज को अपने हिसाब से व्यवस्थित करते हैं, एक चलते रहता है ऐसा। तो हमारे पास जब छोटे छोटे कारखाने थे, हर घर एक कारखाना था, समाज उसको व्यवस्थित करता कि भाई हमारे गांव में ये इस तरह का कारीगर चाहिए, इस तरह के काम करने वाले चाहिए, हम इसकी व्यवस्था करेंगे, उसके लिए हर व्यवस्था कर देते थे वो लोग कि चाहिए हमारे गांव में। पर वो व्यवस्था कैसे की गई, कैसे की गई, तो ये पूरी एक अर्थव्यवस्था है, पूरी एक अच्छी एक तकड़ी अर्थव्यवस्था है। कैसे व्यवस्थित, क्योंकि मैं जो बात बताया कि हमारी व्यवस्था पूरी व्यय प्रधान थी, आय प्रधान नहीं। हर एक को अपनी जिंदगी में कैसे और कितना खर्च करना है ये तय किया गया था हमारे पास में, कैसे कमाना है ये तय नहीं किया गया था। कमाना उसका अपना एक बराबर एक पद्धति से था। हमारे गांव की अर्थव्यवस्था में क्या रहा है कि देखो, एक बात ये होती है कि कोई भी काम आदमी क्यों करता है, सबसे पहले वो देखता है कि इस काम में मैं और मेरा परिवार जी सकता है या नहीं, ये अगर आहार की सुरक्षा है तो करेगा। दूसरा, उस काम को लेके वो समाज में समान गौरव चाहता है, ये दो नहीं है तो कोई काम आदमी कभी नहीं करेगा। तीसरा, वो अपने आप में स्वतंत्रता का भाव चाहता है, ये तीन चीज उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। ऐसे तो आहार की सुरक्षा कौन करेगा, कैसे की जाएगी, तो हमारे पास में बहुत सहज ढंग से कर दिया गया था। दूसरी बात यह है कि किसी की बनाई हुई चीज दूसरा क्यों लेना है, कोई जबरदस्ती है क्या, है ना, कोई जबरदस्ती नहीं है, जरूरत है तो लेगा, या वो सुंदर दिखाई दे तो लेगा, नहीं तो कोई चीज क्यों लेगा। मगर गांव में जब इतने कारीगर बैठे हुए हैं, इतने तरह के काम करने वाले बैठे हुए हैं, जरूरत के हिसाब से अगर इनका सामान लेने की बात करेंगी तो ये कोई नहीं जिएगा। कपड़ा कितना जरूरत है, एक कंबल में छेदा करके गले में डाल के कमर में डोरी बांध दे तो आधी जिंदगी जी निकल जाती है उसकी, उससे ज्यादा कपड़ा क्या चाहिए। और हर चीज की जरूरत कितनी है, बहुत कम जरूरत है। अगर इतना कम जरूरत अगर है और कोई कारीगर इतना कम उत्पादन करेगा तो वो तो नहीं जी सकता है। वो अगर जीना है तो उसको भरपूर काम चाहिए, भरपूर काम चाहिए, नहीं तो गांव छोड़ के भाग जाएगा। तो भरपूर काम कैसे दिया गया था हमारे पास में, गांव में ये जैसे था कि एक कारीगर तीन तरह से काम करता था, एक व्यवसाय के लिए, धंधों के लिए, दूसरा घर के लिए, और तीसरा गांव के लिए। तीन तरह के काम करता था। व्यवसाय के लिए जो काम करता था उसकी कीमत तय थी कि मैं इस इतना दूंगा और इसके बदले तुम इतना देना है। क्या देना है, गांव में हमारे पास में आठ तरह की चीजें धन मानी जाती थी, आठ तरह की चीजें। धन भी एक धन था, धान्य भी एक धन था, पशु भी एक धन था। पशु में गोधन, गजधन, अश्वधन, अजधन, ये धन थे। विद्या भी एक धन था और कच्चा माल भी एक धन माना जाता था। ये आठ तरह की चीजें धन माने जाती थी। जो धन जिसके पास है उस हिसाब से वो धनवान होता था।
वहां धन का कोई एक पैमाना नहीं था कि ये होने पे ही वो धनवान होगा, क्योंकि आठ तरह की चीजें थी, जो धन जिसके पास है वो धनवान है बस। बड़े बड़े कारखाने लगने के बाद धन का एक ही पैमाना कायम हो गया फिर हिंदुस्तान में। एक ही पैमाना कायम होते ही हमारा सारा समाज कंगाल हो गया। किसी के पास 100 गाय 1000 गाय है, अगर 1000 रुपये नहीं है तो कंगाल है। ऐसा सारा का सारा समाज एकदम कंगाली में आ गया, क्योंकि उनके पास जो चीज है वो धन नहीं मानेगी फिर। ऐसा गांव में तो 8 तरह की चीजें धन मानी जाती थी, ये सारी चीजें धन है। तो गांव के कारीगर को 4 बड़े बड़े खर्चे तो नहीं थे। एक तो पैकिंग करना नहीं था, पैकिंग नहीं थी, ट्रांसपोर्टिंग नहीं थी। दूसरा उसका कोई विज्ञापन प्रचार नहीं था। तीसरा उस पर कोई टैक्स नहीं था। ये 4 के बिना उसको क्या कीमत पे देगा अपना सामान? वो कच्चे माल पे भी अपना सामान दे देता, जुराहा जाता, सूट लाता, कपड़ा बुन के देता और अपनी मजदूरी सूट ही रखता था। ऐसा ये सब रहा है। ये धन का पैमाना बदलते ही पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी गड़बड़ी एकदम। ये गांव का बहुत बड़ा जो धन था वो तो धान्य था, और धान्य जब तक धन था वो किसके हाथ में रहता था? महिलाओं के हाथ में रहता था। देना लेना, रीत रिवाज, दान धर्म, मान मर्यादा पूरा महिलाएं करती थी, पुरुषीय व्यवहार से दूर था। जैसे ही नोट धन बन करके आया, किसके हाथ में आया? पुरुषों के हाथ में आया। पुरुषों के हाथ में आते ही महिलाओं की पूरी सत्ता खत्म हो गई। ये गला फाड़ फाड़ के गाली देने लगा, मैं मर मर के कमा रहा हूं, कमा के ला रहा हूं, तू उड़ा रही है। गड़बड़ हो गई पूरी की पूरी। ये तो हुई है ऐसे गड़बड़ ना। तो वो जो कि उस समय पे जरूरत की चीजें बहुत कम थी। व्यवसाय के लिए जो कारीगर देता था वो उसकी कीमत तय थी, मगर उसके बाद घर के लिए जो देता था उसकी कीमत नहीं थी, उसकी कीमत तय थी। घर के लिए जो दे रहा है, घर के लोग उसका मान करना है, मान करना है। घर में कितनी चीजें, घर की जरूरत की थोड़ी चीजें है। उसके बाद फिर 49 संस्कार बना करके 49 संस्कार में हर कारीगर की कम से कम एक, ज्यादा ज्यादा 5 चीज रखने का एक विधान कायम किया गया। बच्चा पैदा होने से लेकर मरे जब तक हमारे पास 49 संस्कार है। हर संस्कार में हर कारीगर की कम से कम एक चीज, ज्यादा ज्यादा 5 चीज रखना है। ये एक मार्केट बना कारीगर का। बच्चा पैदा होने पे कुमारनी मिट्टी का एक गड़वा लाती थी, कलश, उसको हमारे इलाके में माया मुंता बोलते हैं। बांस का काम करने वाली सूप लाती थी, नाभी की नाल काटने के लिए चरमकार औरत आती थी, तेली की औरत एक तेल लाती थी, हर जाति की एक प्रतिनिधि औरत वहां खड़ी होती थी अपना सहयोग देती है। बच्चे का, बच्चा पैदा होते ही उसको सूप में डालना है, उसके बाद उसको नहलाना है, और वो जो नाभि की नाल होती थी उसको एक सफेद कपड़ा हल्दी में डुबा करके उसको बड़ा अच्छा उसमें भर के हल्दी के साथ उसमें भर दिया जाता कलश में, और पूरा कच्चे सूत से उसको लपेट करके ईशान्य दिशा में गाड़ देते। और संचार करने वाले जो लोग हैं, जैसे ग्वाले हैं, धनगर है, लंबाड़े हैं, तो इनका क्या होता था कि इतना सा टुकड़ा काट के तावीज में भर के वो बच्चे के कमर में बांध देते, उसके साथ ही बांध देते थे, क्योंकि कभी कोई असाध्य बीमारी हो जाए तो उसको निकाल करके दूध में उबाल करके उसकी दवाई तैयार करते थे, वो देते थे। ऐसा संचार करने वालों की जाति के कमर में ही वो रहता था तावीज में, क्योंकि उसको संचार करने कहीं कुछ हो सकता है ना, वो रहा। तो ये सारी चीजें करते, मगर ये जो मिट्टी का जो कलश लेकर के आए हैं उसके लिए क्या देना है? तो उसके लिए एक सूप में दाल चावल आटा नमक मिर्च ये सब रख करके, एक ब्लाउज का कपड़ा रख करके, चारा ने आठा ने दक्षिणा रख के उसको दे के प्रणाम करना है। ऐसा अगर बाजार में वो कलश खरीदने जाएंगे तो रुपये या 2 रुपये से ज़्यादा का नहीं है, मगर उसके लिए कितना दिया जा रहा है? बहुत दिया जा रहा है। और वो कितनी बहुत ज़रूरत की चीज़ है क्या? बिना ज़रूरत की चीज़ को के लिए इतना दिया जा रहा है,
तो हमारे पास में इसको क्या बार्टर सिस्टम बोला जाएगा क्या? हाँ, इसको बार्टर सिस्टम तो नहीं बोला, मगर हमको पढ़ाया जा रहा है ना, ये पढ़ाया जा रहा है, हम लोग पढ़ भी रहे हैं आसानी से। वो तो कभी नहीं रहा है, क्योंकि ये करदोरा बनाने के लिए जुराहे के घर जाते थे, एक माप जवारी लेके जाते थे, वो डाल करके इतना धागे का टुकड़ा ला के बच्चे के कमर में बांधते थे। क्या इतना कीमती धागे का टुकड़ा था क्या वो, जो घर में नहीं बन सकता था? मगर वो हमारी एक पद्धति थी। कई बार कारीगर अपनी चीजें लेके इनके घर आना है, कई बार ये लोग कारीगरों के घर जा करके उसकी चीजों को लाना है। बच्चा पैदा होने पे कारीगर आए हैं, इसके विवाह में हर कारीगर के घर इसको जाना है, कुम्हार के घर जाना है, हर एक कारीगर के घर जाके उसकी टेक्निक की पूजा करके उसका मान करके उसकी चीजों को लाना है। जैसे ही कोई मर जाता था, सहजी बांस का काम करने वाला बांस लाता था, कुम्हार मटका लाता था, जुलाहा कपड़ा लाता था, चर्मकार वाद्य और रस्सी लाता था, नाई मुंडन करने आ जाता, सुनार पंच रत्न लेकर के आता, हर जाति का एक प्रतिनिधि अपना सहयोग लेके वहाँ खड़ा होता था और वो सब मिलके उसका अंतिम संस्कार करते थे। उसके बाद जो तीसरे दिन से जो कार्यक्रम होता था 10 दिन तक, वो उनका मार्केट था। शैयादान वाले दिन हर कारीगर की चीज उस पर रख करके दान कर दिया, और उसके बाद किसी के मर जाने के बाद, शादी के बाद, वास्तु के बाद, ये 3 कार्यक्रमों के बाद उस घर में 1 साल तक कोई कार्यक्रम नहीं होता, कोई फंक्शन नहीं होता वहाँ, क्योंकि 1 साल भर में एक कारीगर को जितना दिया जाता है वो एक ही कार्यक्रम में चला गया है, इसलिए क्यों देना है फिर 1 साल के बाद देना है उसको फिर ना। वो एक पद्धति थी पूरी, वो अपनी एक अर्थव्यवस्था रही है ऐसे, जिसमें कारीगर लोग बहुत आराम से मस्ती से जिए हैं, क्योंकि ये जब तक ये टेक्निकों के बल पर पूरे समाज को व्यवस्थित किया गया था, जीने के लिए किसी को संघर्ष नहीं करना पड़ता था वहां पे, जीने के लिए कोई संघर्ष नहीं करता। आज जैसा है, आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई एक व्यक्ति अपने गांव में अपने घर में रह करके नहीं जी पा रहा है, सारा का सारा समाज संचार जाति वाला हो गया है, और जहां मर पड़ के घर मना रहा है वहां उसकी संतान उसमें नहीं जी रही है, वो कहीं और भाग जा रही है। तो जहां सारा समाज संचार जाति वाला हो जाएगा, तो ऐसे समाज को कोई सभ्यता, कोई संस्कृति, कोई परंपराओं की जरूरत ही नहीं होती है। क्या चीज की जरूरत है? वो तो स्थिर रूप से जीने वाले समाज की जरूरत है, इनको तो कोई जरूरत नहीं होती, ये तो जीता है बस हो गया, उतना ही, कोई कुछ रहता नहीं है, वो सब अपने आप में खत्म हो जाता है। ये जो है कि सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, विद्याएं, विज्ञान, कला, ये तो एक स्थिर समाज की जरूरत है, वो उसमें पनपाता है पूरा। तो ये सब काफी एक व्यवस्था रही है, मगर भिक्षावृत्ति वालों की भी हमारे पास में व्यवस्था रही है। जितनी जातियां रही है, हर जाति का जाति पुराण बोलने वाली जाति रही है हमारे पास में। समाज में, गांव में जितनी जातियां थी, जिनकी जिनका रोजगार बराबर तय था, पक्का था, इनके जिम्मे कई कई जातियों के लोग आ जाते थे, जिनका पोषण इनको करना पड़ता था। यादव लोग 7 जातियों का पोषण करते थे, चर्मकार लोग 5 जातियों का पोषण करते थे, कुम्हार 1 जाति का करता था, इनके जाति पुराण, ये सब जो है जाति पुराण इनके पास में थे। हर जाति का अपना एक जाति पुराण होता है, ये लोग आकर के वो जाति पुराण बताते थे, और इनका वंश वृक्ष पूरा लिखते थे। इनको भिक्षा नहीं होती थी, इनको हिस्सा देना पड़ता था, इनका परसेंटेज होता था, कमाई का हिस्सा होता था, भिक्षा नहीं थी। ऐसे कई कई जाति, हर जाति कई कई जातियों के पोषण की जिम्मेदारी ले रही थी, और वो सारी व्यवस्था में इतनी कलाएं पनपी थी, कलाओं की व्यवस्था होती है, कलाओं, कलाकार अपने आप में नहीं जी सकते हैं, इनके जीने की व्यवस्था बनाना पड़ता है। मगर बात ये आती है कि कला की इतनी जरूरत क्यों है लोगों को, क्या हो जाएगा कला से, अगर नहीं है तो क्या हो जाने का है? आज तो नहीं है, आज तो सब कुछ खत्म है ना, जी रहे हैं लोग, मगर कला इसलिए हमारे पास में महत्वशाली थी। अध्यात्म की पहली सीढ़ी होती है कला, ऐसा कला से एक सौंदर्य दृष्टि पैदा होती है,
समाज का अपना एक अपनी एक सौंदर्य दृष्टि होना चाहिए। मेरे पास में एक लड़की आई थी, गुरु जी एस्थेटिक नहीं है तो क्या हो जाएगा समाज में, एस्थेटिक नहीं भाई, एस्थेटिक नहीं है तो स्टेटस के लिए जीना चालू करता है आदमी और वो पूरी गड़बड़ होती है, ऐसा है। अगर सौंदर्य दृष्टि है तो अपने हिसाब से जीता है, और सौंदर्य दृष्टि अगर नहीं है तो किसी को देख के जीता है, फिर ये गड़बड़ हो जाती है, ऐसा ना। तो इसलिए समाज में सौंदर्य दृष्टि की बहुत जरूरत होती है, नहीं तो ईर्ष्या द्वेष राग ये सब कुछ पनप जाता है, ये बड़ी गड़बड़ की बात हो जाती है। कि बहुत सारी चीजों को जब देखते हैं तो समाज में अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना है, आध्यात्म में अहंकार नहीं होना है। अहंकार कैसे क्यों होता है फिर? अहंकार कब होता है? जब ऋण का भाव खत्म हो जाए तो अहंकार होता है ना, जब ऋण का भाव खत्म हो जाए तो अहंकार है, या जब वो अपने आप को सर्वे सर्वा मान ले तो अहंकार होता है। तो अहंकार नहीं होना है तो समाज में फिर कैसे क्या व्यवस्था बनाना है? इसलिए हमारे पास क्या किया गया था कि व्यक्तिगत रूप से कमाई का कोई व्यक्ति हकदार नहीं था, वो ये नहीं बोल सकता था कि मैं अकेला कमा रहा हूं और सब बैठ के खा रहे हैं। जो कारीगर समाज जितना भी था वहां कोई भी एक आदमी ये बात नहीं बोल सकता था कि मैं अकेला कमा रहा हूं, वहां कमाई परिवार की व्यक्ति की नहीं है। तो हमारे पास व्यक्ति की कमाई को महत्वहीन कर दिया गया था कि व्यक्ति को की कमाई नहीं होना है, और हर व्यक्ति कमाई कमाने का कमाई का हकदार हो जाए तो दुनिया भर की गड़बड़ हो जाए समाज में, अहंकार पैदा हो। इसलिए कमाई परिवार की महत्व बनाई गई। हर कारीगर ये बोलता है ये हमारी परिवार की कमाई है, मेरी अकेले की कमाई नहीं है। वहां उसके अंदर हर एक के प्रति ऋण का भाव था, ऋण का भाव है, और जो अपने आप को सर्वे सर्वा नहीं मानता है तो उसमें अहंकार पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है ना। तो ये सारी चीजों के बारे में अपने पास बहुत गहराई से सोचा गया था। ये तो कभी आप लोग आओ तो मैं बताऊं ये सब कुछ, एक 5-7 दिन अगर वहाँ बैठते हैं तो मैं पूरी व्यवस्थाओं की बात बताऊं कि जंगलों की क्या व्यवस्थाएं थी, गांव में नदियों तालाबों की जल की क्या व्यवस्था थी, कैसे तालाब बनते थे, कैसे और खेतियों की व्यवस्थाएं क्या थी पूरी, ये सब कुछ समझना ना। गाँव में क्या होता था, जब अनाज बढ़ जाने के बाद एक हिस्सा सब लोग गांव के लिए देना पड़ता था, और वो हिस्सा होता था विकलांगों के लिए, वैद्यों के लिए, विद्वानों के लिए, कुछ विधवाओं के लिए वो हिस्सा रखा, वैद्यों के लिए होता ये हिस्सा होता था। कोई गांव में बहुत विद्वान बैठा हुआ है, शास्त्र की रचना कर रहा है तो गांव उसकी व्यवस्था करता है, कोई विद्वान आया है उसके प्रवचन रखना है तो गांव उसकी व्यवस्था, ये गांव करता था, हर एक को उसके लिए परेशान होना नहीं पड़ता। कोई वैद्य है तो वैद्य की व्यवस्था गांव करना है, क्योंकि उसको कहीं भी किसी भी टाइम पे दौड़ना है, उसकी व्यवस्था गांव करना है। तो ये लोग क्या करते थे कि 12 साल में एक बार देखते थे बैठ के कि ये कितना अनाज हमारे पास बचा हुआ है, ये जो जमा हुआ है खर्च होने के बाद भी, गांव में कुछ करना है या नहीं करना है। नहीं करना है तो पूरा अन्न कुंभ के मेले में जाता था, उस इलाके का जो कुंभ का मेला होता था हर गांव से धान्य उधर चला जाता था, और गांव में कुछ करना है, तालाब बनाना है, तालाब बनाना है तो ये देखा जाता था कि कितना धान्य है, कितने हजार लोग कितने महीने खा करके काम कर सकते हैं, उस हिसाब से संख्या को इकट्ठा किया जाता था आसपास के गाँव के लोगों को कि आ जाओ तालाब बनाना है। तो ये सब मिलकर तालाब बनाते थे। तालाब बन जाने के बाद तालाब बनाने वाली बहुत जातियाँ थीं, जिसमें कोली समाज था, वोड़ समाज था, नामधारी ब्राह्मण समाज था, ये सब तालाब की इंजीनियरिंग रखते थे अपने पास में, इनको बुलाया जाता था, उनके देख रेख में तालाब बनते थे। तालाब बनने के बाद में जब उसमें पानी आता था तो एक महीने का मेला लगता था उसके ऊपर, लोग पैरों में घुंघरू बांध के बांस हाथ में लेके उसकी प्रदक्षिणा करते थे, मिट्टी को कुचलते हुए नाचते कूदते हुए, पानी पूरा भर जाने के बाद जिसके परिवार के जलचर है देवी देवता कि
किसी का मछली है, किसी का कछुआ है, किसी का कुछ है, खेकड़ा है, तो वो सब उसमें छोड़ते थे पूजा कर करके। फिर उसके कानून तय किए जाते थे, उसके पक्के ये तय किए जाते थे। तो ये समाज अपने आप से तो कर लेता था, राजा का इसमें क्या सहयोग होता। जिस गांव के लोग राजा तालाब बनाए हैं, राजा उस गांव से 4 साल के लिए टैक्स नहीं वसूलता था। कोई गांव अगर तालाब की मिट्टी साफ किया है तो वहां 3 साल के लिए टैक्स नहीं वसूला जाता। कोई अगर बांध को ठीक किया है तो वहां 2 साल के लिए राजा टैक्स वसूलता नहीं था। राजा का ये एक सहयोग होता था। इतने जो तालाब बने थे हमारे पास में, वो एक बहुत सुंदर व्यवस्था रही। कभी आप लोग बड़ी फुर्सत से बैठे तो मैं ये सब बताऊं, आओ ना, खूब लंबा है ये सब कुछ। अब आश्रम में जो मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं रिसर्च के लिए आते बहुत सारे। मैं कई बार वो बच्चों को बोलता हूँ कि हिंदुस्तानी भी रिसर्च करता क्या बेचारा, है ना, हिंदुस्तानी बच्चे भी रिसर्च करते क्या, क्योंकि यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं ना, जब स्कूल में जाना चालू करता है तो LKG UKG से लेके वो जो कमरे में बैठता है तो 20-22 साल उसका शरीर बैठता है एक कमरे में, है ना, उसकी हड्डियों को भी बैठने की आदत हो जाती है। दूसरा, हर 45 मिनट के बाद में 1 घंटा बसता है। अभी तेलुगु पढ़ा, उसके बाद गणित पढ़ना है, उसके बाद इतिहास पढ़ना है, उसके बाद विज्ञान, हर 45 मिनट के बाद इसका विषय बदलते जाता है। रिसर्च का मतलब होता है एक विषय पे लंबे समय तक रहना या उस विषय को अपने जीवन का अंग बनाना, है ना। तो रिसर्च करता आदमी, यहाँ के मानस को 2-4 घंटे भी एक विषय पे खड़े रहने की आदत नहीं है, 45 मिनट के बाद इसका विषय बदलते जाता है, है ना। यहाँ के लोग बड़ी जल्दी परेशान हो जाते बेचारे, हर 45 मिनट के बाद इसका विषय बदलता है। इसलिए तो ये जो है, वो कई बार बोलता हूँ कि लंबे, और बहुत बार आते हैं रिसर्च करने वाले लोग, वो अपनी धारणाएं बना के आते कि हमको इस विषय पे रिसर्च करना है। रिसर्च का मतलब होता है कि तुम जब एक धारणा बना करके अगर रिसर्च करते हो तो कैसा रिसर्च हो, वो तो तुम किसी चीज को साबित करने के लिए कुछ खोज रहे हो। रिसर्च करते हैं तो कोई ऐसा होना चाहिए कि उसमें से कुछ नया दृष्टिकोण या नया विचार बाहर पड़ता है, तो एक अलग बात है ना। नहीं तो रिसर्च का मतलब क्या हो जाता है वहां पे, तुम तो एक विषय को साबित करने के लिए लगे हुए हो। अभी कहीं से फोन आया था कि गुरुजी एक लड़की आई हुई है गांव पर, वो महिलाओं के त्योहार रीत रिवाज और त्योहार पर रिसर्च कर रही है। तो मैं बोला कि क्या उसकी सोच क्या है, क्या समझ करके रिसर्च कर रही है। नहीं नहीं, उसका मानना यह है कि ये जो महिलाओं के रीत रिवाज है और ये त्योहार है, महिलाओं को 4 दीवारी में बंद रखने का षड्यंत्र है। मैं बोला ये वो साबित कर सकती है, है ना, क्योंकि यही सोच के वो रिसर्च करने आई है तो करेगी। तो मैं उसको धीरे से पूछा कि पुरुष लोग घर से काम करने के लिए कब निकले बाहर, कारखाने टूटने के बाद ही ना, घर गाँव की टेक्नोलॉजी टूटने के बाद में लोग बाहर निकले, उसके पहले पुरुष कब बाहर निकलते थे काम करने के लिए, ना कोई पुरुष निकलता था ना महिला निकलती थी। मतलब वो तो साबित कर लेगी कि ये षड्यंत्र था, कर ले, लोग पढ़ भी लेंगे उसका, है ना, ये होता है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ ना मैं, मेरे पास में आते हैं तो हर्ष करके एक लड़का 1 साल बैठा था ट्रिपलाइटी का, वो बेचारा आया तो यजमानी व्यवस्था थे, दिमाग में बहुत सारी बातें, इस समाज में समानता नहीं है, बंटवारे में समानता नहीं, असमान, ये सारी चीजें। तो मैं उसको बोला कि हर्ष, हिंदुस्तान में समान बंटवारा कभी नहीं रहा, यहाँ उचित बंटवारा रहा है। हिंदुस्तान में समान बंटवारे को ज्यादा महत्व नहीं रहा है, यहाँ उचित बंटवारा है ना, क्योंकि संपत्ति में जब बंटवारा होता है तो उचित बंटवारा, समान नहीं होता है। यहाँ पे 4 भाई है, जमीन बांटना है तो पहले जमीन के पहले कर्तव्य बांटे जाते हैं कि मामा की भूमिका कौन निभाएगा, बहनें आएगी किसके घर आएगी, श्राद्ध कर्म कौन करेगा, समाज में कौन खड़ा रहेगा इस पर, ये सारे कर्तव्य जो धारण करता है
बाकी तीन भाई अपनी जमीन का एक हिस्सा इसको देते हैं, वो अग्रभाग माना जाता है, है ना। आधुनिक व्यवस्था के हिसाब से ये समान नहीं है, मगर हमारे लोगों के हिसाब से बहुत उचित बंटवारा है ये पूरा। हमारे लोग कई ढंग से ये सोचते थे, ये बहुत कुछ होता था, समय कितना हो गया अभी, हाँ बस करेंगे अब, हाँ ठीक है, हाँ हाँ पूछ लें। कॉन्ट्रीब्यूशनिज्म मीन्स हर एक आदमी जो अपना अपनी अपनी ताकत के मुताबिक लेके आएगा, हमको ये गुलामी और ये नौकरी की ज़रूरत नहीं है, तो ये नया समाज कैसे बनाया जाए, यही बातें आप कर रहे हैं। फैंटास्टिक, थैंक यू। बॉम्बे 40-42 झोपड़पट्टी बिल्डिंग सोसाइटी और अपार्टमेंट्स में, तो ये जगह को कैसा इस्तेमाल करना है, टेरेसेस, पार्क्स, गार्डन्स, सी शोज, बीच फ्रंट्स, ये ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो, और टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, प्रिंसिपल्स को, बुजुर्गों, हमारे देश बुजुर्गों का ज्ञान इस्तेमाल नहीं करते, वो ऐसा ही निकल जाते हैं, तो उनका ज्ञान कैसे लाना है और ये सिस्टम को वापस कैसे लाना है, ये हमें देखना है। थैंक यू सर। क्या है, कारखाने जब छोटे होते हैं तो समाज बहुत रंगीन जीता है, विविधता से जीता है, क्योंकि छोटे कारखाने अपने आप में इतने दमदार हैं कि वो हर समय और हर व्यक्ति के लिए डिजाइन बना सकते हैं, हर समय और संदर्भ के लिए डिजाइन बना सकते हैं। छोटे कारखानों में दम है, क्योंकि उसमें डिजाइन बदलने को ना तो समय लगता है ना पैसा लगता है, इसलिए जब छोटे कारखानों वाली व्यवस्था रहती है तो समाज बहुत रंगीन जीता है, वो हर एक के लिए डिजाइन बना के दे सकते हैं। और बड़े कारखाने समानता का रोना रोते हैं, क्योंकि हर एक के लिए डिजाइन नहीं बना सकते, हर एक के लिए डिजाइन नहीं बना के दे सकते, ये इतने कमजोर है कि एक डिजाइन लाखों करोड़ों में बना सकते हैं, मगर हर एक के लिए डिजाइन नहीं बना के दे सकते ना, इसलिए बड़े कारखाने बोलते कि समाज समान दिखना चाहिए, है ना, क्योंकि उससे ज्यादा ये कर नहीं सकते। छोटा कारखाना हर एक के लिए डिजाइन बना के दे सकता है, बोलता है कि हम समय और संदर्भ के लिए डिजाइन बना के दे सकते हैं ना। हम एक गांव में गए तो एक लड़कियां ओढ़ना ओढ़ के घूम रही थी, तो हमारे साथ कुछ लड़कियां थी, बोले कि ओढ़ने बहुत सुंदर है, हमको चाहिए। तो क्यों चाहिए तुमको? नहीं नहीं अच्छा दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है का मतलब है ना क्या है, कुछ भी। तो बोले क्यों तुम लोग ये ओढ़ना क्यों नहीं ले सकती, ये लड़कियाँ क्यों नहीं ले सकती पूछे तो। उन्होंने बताई कि देखो गुरु जी, ये जो ओढ़ना है, जिसके एक संतान है वो ये ओढ़ना होती है, इसको देख के पता चलता है कि इसकी एक संतान है, दो संतान होने के बाद ओढ़ने का डिजाइन बदल जाता है, तीन संतान के बाद फिर डिजाइन बदलता है ओढ़ने का, वो ओढ़ना देख करके बोल सकते हैं कि इसके कितनी संतान है। यहाँ तो हर समय और संदर्भ के लिए जो डिजाइन बना था गजब का था, यहाँ की अपनी सौंदर्य दृष्टि इतनी गजबी थी। जब एक घर बनता था कुलकर्णी जी, तो जो सीमत द्वार बनाया जाता था,
सिंहद्वार बनाते समय कितने लोग बैठना है वहां पे? घर का यजमान है, घर का पुरोहित है, भड़ाई है घर का जुराहा है, घर का कुम्हार, घर का वो शेरे बनाने वाला जो होता है, वो ये सब बैठना पड़ता था। क्योंकि उस चौकट पर जो डिजाइन बनाया जा रहा है, उस घर का जो जुलाहा है, उसको जो उस घर की बहू के लिए जो साड़ी बनाना है, उस साड़ी का बॉर्डर जो होगा वो उस डिजाइन का होगा। उसी डिजाइन के साड़ी बॉर्डर की साड़ी पहन के वो बहू घर में आएगी, और वो मटकों पर जो डिजाइन होगा वो उसी चौकट पे जो डिजाइन है वही डिजाइन मटकों पे, उनके घर के सेरे पे भी वही डिजाइन लाया जाता था। ये सारा एक डिजाइन बहुत सुंदर रहा है, हमारी अपनी सौंदर्य दृष्टि गजब की रही है, उसको समझना चाहिए कभी, ऐसा ना। लेकिन इसको अगर इसमें हमको ये परिस्थिति में हमको बदलाव लाना है अगर, क्योंकि आज की स्थिति क्या है कि मैं दोपहर में भी जब आपका लेक्चर पढ़ रहा था तो अपने कुछ कलीग्स थे रूम में बैठा था, मैंने बोला अब तो क्या है कि 100 करोड़ की जनसंख्या हो गई है और ये एक बड़े कन्वेयर बेल्ट पे चलती जा रही है, पूरा ऑटोमेशन हो गया है। अब ये कन्वेयर बेल्ट को कहाँ आप रोकोगे, किधर आप पेज डालोगे, पूरी कन्वेयर बेल्ट उल्टी सीधी हो जाएगी, 100 करोड़ लोग उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। तो इसमें आपने कभी कुछ सोच लगाई है और उस पर और अगर हमारा वार्तालाप हो पाए तो बहुत मज़ा आएगा। नहीं नहीं, तब मैं तो खैर अपनी हैसियत कितनी है क्या सोचेंगे। बात एक आती है कि मेरे को इतना ज़रूर पता है कि जब कोई सभ्यता एक ही ऊर्जा पे आधारित होती है तो जल्दी ख़त्म होती है, वही ऊर्जा उसके नाश का कारण बनती है। हमको भय ये है कि जिस दिन ये ऊर्जा खत्म होगी कहीं समाज फिर बाद में पत्थर से पत्थर मार के आग पैदा करने वाला न बन जाए, उसके लिए कुछ चीज़ों को तो बचा के रखना पड़ेगा, कुछ विद्याओं को ना। अब जैसे इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने कहा है कि अभी जो दुनिया में प्रॉब्लम है वो नीति और न्याय में बहुत दूरी कर दी गई है, और हमारे एक हिमालयन किंगडम जो बोलते हैं भूटान, वहाँ उनकी जो पॉलिसी रही है इकोनॉमिक इसमें देखने का, जैसे हम लोग GDP ओरिएंटेड बोलते हैं, वो लोग ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस की बात कर रहा है, उसमें इन्वायरमेंट बहुत ही अभिन्न अंग है उस पॉलिसी के, तो आप उस पर ज़रा रोशनी डालेंगे। पर्यावरण किस बात पर है? पर्यावरण नेचर, हाँ प्रकृति पर। हमारे पास में जैसा रहा है, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, हमारे तेलंगाना में जंगल बहुत है, बहुत जंगल है, मगर वहाँ के चूल्हे का डिजाइन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है चूल्हे का डिजाइन। पंजाब में जंगल नहीं है, वहाँ का चूल्हा बड़ा है, ऐसा है ना। जहाँ जंगल है वहाँ का चूल्हे का डिजाइन बहुत छोटा है, जहाँ जंगल नहीं है वहाँ बड़े बड़े चूल्हे हैं। हमारे पास जंगल है करके बहुत लकड़ी जलाना है क्या? इतनी कम लकड़ी जला करके खाना पकाने की औरतों को आदत है, बहुत कम लकड़ी जलाती है। जहाँ जंगल नहीं है वहाँ की औरतें घर से थोड़ा बहुत कुछ जलतन लाती है, उसमें फेंक करके खानदान का खाना पकाने चलते बनती है। जहाँ जंगल नहीं है वहाँ बड़े बड़े थोड़े थोड़े ईंधन में हो जाता है काम। जहाँ जंगल बहुत है वहाँ भी ईंधन इतना कम जलाना पड़ता है कि इतना छोटा चूल्हे का डिजाइन रखा है, बर्तन भांडे का रखा है, कि उसमें ज़्यादा लकड़ी आ ही नहीं सकती है। इस तरह से बहुत सोचा गया है अपने पास में ना। हमारे पास में 4 तरह के जंगल माने जाते थे, ऐसे वो जंगलों का काफ़ी सुंदर एक वर्णन है कि गाँव का गाँव 3 जंगलों पर गाँव का अधिकार होता था पहले कभी। बात यह है कि खाली इसका अधिकार से ही नहीं चलता है ना। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जैसे है हमारे पास में चैत्र मास से पत्तल में खाना खाना निषेध हो जाता है हम लोगों को, चैत्र मास से लेके आषाढ़ मास तक पत्तल में खाना खाना निषेध है, दतून का नीम की दतून निषेध है, ये सारी चीज़ें निषेध हो जाती है, ये क्योंकि नई नई कोंपल रहती है, नए नए पत्ते रहते हैं, उसको तोड़ के पत्तल कैसे बनाएंगे? जब तक पत्ता परिपक्व नहीं होता है तब तक उसको नहीं तोड़ा जा सकता है। अभी आषाढ़ मास की कल पूर्णमासी गई ना, परसों, आज सोमवार है, आज हमारे इलाके में पूजा होती है आषाढ़ मास की पूर्णमासी के बाद का जो भी सोमवार आता है उस दिन भीमन्ना की पूजा होती है, भीमाल की। अभी इस टाइम पे वहाँ पूजा शाम में होती होगी, हुई है आज।
तो ये भीमाल की पूजा करके ही आज पहली बार पत्ता तोड़ करके उसके पत्ते में प्रसाद खाया जाता है। हमारे इलाके में जो अभी भी है, आषाढ़ मास तक कोई पत्ता नहीं तोड़ता है झाड़ों का, निषेध था एकदम, पत्तल में खाना खाना निषेध है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जब तक जिसमें बीज नहीं बनता है उसको नहीं खाया जाता है, फिर बीज के लिए बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया जाता है। संक्रांत के बाद मूली छोड़ देते हैं लोग खाना, सेम की फली को छोड़ देते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं, उसको फिर इस्तेमाल नहीं करना है, उसको बीज के लिए छोड़ देना है। और जो बहुत सारी चीजें ऐसी है जब तक उसमें बीज नहीं होता है उसको नहीं खाना है, फिर बीज के लिए बहुत सारी चीजों को छोड़ देना है। जब पहली बारिश होती है ना, हमारे पास में बड़ा मजा आता है, जब पहली बारिश होती है थोड़ी सी हरियाली निकलती है तो उसको पसकर राजूला पूजा बोलते हैं। सारा गांव बाहर निकल करके गांव के बाहर उस हरियाली की पूजा करता है, पहली पूजा उसको पच्चा राजूला यानी पच्चा यानी हरियाली हरा उसकी पूजा करता है। उसके बाद ये पहला वन भोजन है, वहाँ भोजन बनाएंगे खाएंगे प्रकृति की पूजा करके आएंगे। उसके बाद फिर दूसरा भोजन इनका होता है श्रावण में वन भोजन, और तीसरा भोजन होता है कार्तिक में। ये तीन बरसात शुरू होने से लेकर बरसात खत्म होने तक ये तीन जंगल के बीच में भोजन होते हैं। तीनों परिस्थितियों में वन को देखते हैं वो लोग कैसा है, शुरुआत में कैसा है, बीच में कैसा है, आखिर में कैसा है। ये सारी बहुत पद्धतियाँ रही है, मैं तो बहुत बता सकता हूँ कि एक एक चीज को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किए थे लोग। गुरुजी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी आपने शहर, आपने कहा ना कि जब शहर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था तो उसको वो नष्ट कर देते थे, तो अभी अगर आप देखेंगे तो पूरे दुनिया में मतलब गांव पूरा ख़त्म हो गया है और ख़त्म कर दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग चाहते ही नहीं कि गांव रहे, और अभी तो नए सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि हम 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने वाले हैं और हाँ, और वो हमारा मतलब हल होगा क्योंकि इतने लोग गाँव से जो शहर में आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि शहर क्यों बढ़ते जा रहा है? नहीं, ये तो कारखानों का है मामला ना पूरा। देखो जब कारखाने छोटे थे तो कुटुंब बड़े थे, आज बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं, कुटुंब से परिवार, परिवार से व्यक्ति हो गया है ना। जब कारखाने छोटे थे तो बहुत बड़े बड़े कुटुंब थे, और कुटुंब हर व्यक्ति की 100 साल की समस्या का समाधान है। एक कुटुंब में पैदा हुए से लेकर के मरने वाला बूढ़ा तक की उसकी पूरी व्यवस्था एक कुटुंब में होती है ना। 100 साल की जितनी समस्याएं हमारी जिंदगी में आती है वो सारी समस्याओं का समाधान एक कुटुंब होता है। ऐसा एक व्यक्ति की सुरक्षा परिवार की होती है जिम्मेदारी, परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी कुटुंब की होती है। कुटुंब जाति में सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को, जाति गांव में, और गांव अपने राज्य में, अपने देश में। राज्य की सुरक्षा फिर हर एक की जिम्मेदारी होती है। ये एक सुरक्षा चक्र हमारे पास में रहा है, उसमें हर एक की जिम्मेदारी कायम किया गया था, और कुटुंब मात्र 100 साल की हर समस्या का समाधान कुटुंब रहा है। हर उम्र का व्यक्ति उसमें सुरक्षित जीता है ना। जब से कुटुंब टूटे वृद्धाश्रम बनने लगे। मैं कई बार लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई ये वृद्धाश्रमों का इतिहास लिखो, ये होटलों का इतिहास लिखो, ये बैंक जो बने हैं कर्जा देने के लिए इनका इतिहास लिखो, ये कब चालू हुए, ऐसे ये कब चालू, क्योंकि ये तो थे नहीं हिंदुस्तान में। चार चीज़ें तो नहीं थी, होटल और लॉज तो नहीं थे, दुकानें नहीं थी, बिना दुकानों का देश, कोई मजदूर नहीं था, समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कोई पुलिस नहीं थी। ये सारी चीज़ें हैं, ये चार के बिना हजारों साल एक देश चला है। आज इसके बिना कोई कल्पना नहीं कर पा रहा है। आज हम जहाँ ठहरने गए हैं वहाँ कितनी सुरक्षा का इंतजाम, अरे बाप रे। सर आपने कहा कि गांव में पुलिस नहीं होती है, मैं अपने गांव की बात कर रही हूँ। मैं अपने गाँव गई थी कुछ साल पहले, तो वहाँ पे एक नया मंदिर बना था, बहुत बड़ा मंदिर है, तो मैं वहाँ गई थी। फिर 2 दिन के बाद उस मंदिर में बहुत बड़ी चोरी हो गई थी,
और क्योंकि मैं मतलब वहाँ मैं नहीं गई थी, तो मैं मतलब मैं बाहर से गई थी, तो लोग मुझे बता नहीं रहे थे, तो मैंने पूछा था। फिर पास के गांव के किसी आदमी को मैंने पूछा कि वो चोरी जो हुई थी मंदिर में उसका क्या हुआ, तो बोले वो तो निपट गया। तो मैंने कहा निपट गया यानी? तो बोले कि नहीं, वो तो हमारे मंदिर में जो एक काम करता था उसने ही चोरी की थी, तो वो शहर भाग गया था चोरी करके सारा जो मंदिर का जो आभूषण वगैरह था। तो मैंने कहा तो उस आदमी का क्या हुआ, तो आपने उनको पुलिस को दिया? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम गांव में पुलिस नहीं बुलाते, वो तो हम आपस में ही सुलझा लेते। तो मैंने कहा आपस में सुलझा लेते यानी? तो बोले हमने तो उसको मार के गाड़ दिया। तो अगर मतलब मुझे लगता है कि गांव में भी समस्याएं हैं, गांव इतना परफेक्ट नहीं। अभी तो बहुत देखो, बड़ी समस्या क्या है यहाँ पे, गांव तो टूटे। हिंदुस्तान को हम कितना जानते हैं, हिंदुस्तान की व्यवस्था को, क्योंकि सत्ता समाज का अंग होती है, सत्ता को समाज अपने लिए बनाता है। मगर अंग्रेजों के आने के बाद जमींदारी के रूप में सत्ता समाज पे हावी हो गई। जमींदारी का एक इतना भयंकर काल रहा है, हमारा काल भयंकर काल रहा है जमींदारी का। तो उस काल को अभी लोग भूले नहीं है, गांव के लोग तो नहीं भूले हैं, है ना? तो इसलिए गांव के लोगों को ये नई व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है। मगर गड़बड़ की दूसरी बात ये है कि हमारा पूरा जनसामान्य दो विचारधाराओं में जीता है। एक तरफ ये है कि सतयुग था, त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, कलयुग हुआ, अत्योन्नत परिस्थिति से पतन की ओर जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये बात चलती है कि पाषाण युग था, ताम्र युग हुआ, लोह युग हुआ, रॉकेट का युग, कंप्यूटर का, एक पतन से उन्नति की बात कर रहा है और एक उन्नति से पतन की बात कर रहा है। ये दो के बीच में हमारा समाज खड़ा है, क्योंकि ये दो भी इनको सही नजर आते हैं, है ना? ये दो भी इनको सही नजर आते हैं, इसलिए परेशान है बेचारे, किसको लात मारे, इनमें हिम्मत नहीं है। और दूसरा, इनका अतीत जो है, इतना भयंकर अतीत इनके सामने है। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि पूरी आधुनिकता खड़ी है हमारे अतीत की बुराइयों के बल पे, है ना? पूरी आधुनिकता खड़ी है हमारे अतीत की बुराइयों के बल पे, ना? अतीत इतना बुरा साबित किया गया है, माना जाता है ऐसा। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि हिंदुस्तान को तीन हिस्सों में देख लेना चाहिए। एक तो वर्तमान जो चल रहा है, एक ये है, एक जमींदारी के काल का, एक जमींदारी के पहले की व्यवस्थाएं क्या रही है। क्योंकि जमींदारी के काल में सत्ता पूरे से समाज पे हावी हो गई थी। आज सत्ता और समाज कुछ नहीं है, ये दोनों पे बाजार हावी है, ये भी एक है अभी, है ना? ये भी चल रहा है। तो चलो बस करते हैं ना, हाँ पूछ लीजिए। ये जो आपके विचार हैं, आपने खुद जाकर के सब इसका वो संग्रह किया है, अच्छे विचार हैं, पुराने हैं, व्यवस्थाएं बदल गई हैं। आप कहते हैं कि हम प्रलय की तरफ जा रहे हैं, मैं कहता हूँ कि ये जो मॉडल है, क्या इसको हम रिप्लिकेट कर सकते हैं बड़े लार्ज स्केल के ऊपर, छोटा जैसे अभी आपने कहा वसुधैव कुटुंबकम, जैसे आपने कहा, तो इसको एक बड़े समाज के बड़े गाँव के रूप में इस व्यवस्था को फिर से एक मॉडल के रूप में अपन पुनर्जीवित कर सकते हैं? हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं लोग, मगर मेरे को बड़ा एक लगता है कि पहले बहुत कुछ समझना होगा। ये नहीं तो क्या, ये विद्या विधान नहीं तो कैसा होना चाहिए, ये नहीं तो क्या होना चाहिए, ये पहले समझ बना लेना चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ रहेगी पूरी की पूरी। एक तरफ इसको भी खराब करेंगे, दूसरी तरफ अपना भी कुछ बना नहीं पाएंगे, ये जरा गड़बड़ रहती है। देखिए, मैं तो मूर्तियां बनाने वाला आदमी रहा हूँ, जब बड़ौदा में पढ़ाई पढ़ रहा था मैं, तो बहुत सारे प्रश्न दिमाग में थे। मैं एक झाड़ के नीचे बैठा रहता था, बहुत दिन तक एक झाड़ के नीचे बैठा रहा, झाड़ के नीचे बैठा रहा, सामने एक झाड़ को देखते रहा, झाड़ में फूल हुए, फल हुए, फिर सब झड़ गए, एक एक पत्ता तक झड़ गया। झड़ जाने के बाद में उसमें से नई नई कोंपल निकली, तो मेरे को लगा कि एक नया सृजन करने के लिए एक वृक्ष भी अपना पुराना सब कुछ छोड़ता है। हम अपना पुराना इतना सब कुछ भर करके नया सृजन कैसे कर पाएंगे? पुराना छोड़ने के बाद भी जब नए सृजन की बात आती है, तो वृक्ष की खास एक बात है
कि वो अपनी जड़ पे अपना सृजन करता है, किसी और की जड़ पे नहीं। अपनी, हमको अपना सृजन अपनी जड़ पे करना चाहिए, किसी और की जड़ पे तो नहीं कर सकते ना। हमारे पास में सब कुछ होता है, करता कोई नहीं है। ये होने वाली एक पद्धति है, उसको समझ लेना चाहिए। यहाँ कुंभ का मेला होता है, कौन करता है नहीं मालूम है, है ना। यहाँ सब कुछ होता है, यहाँ कोई करता नहीं है। ये होने वाली एक पद्धति है, इसको समझ लेना चाहिए कि यहाँ कैसे हो जाता है। यहाँ शादी हो जाती है, करता कोई नहीं है। यहाँ पे सब जो होने वाली एक पद्धति रही है, इसको समझना चाहिए कि एक अपना ढंग रहा है कि जिसमें सब कुछ होता है। वो समझ लेते हैं तो भी बहुत कुछ हो जाए। हाँ, बिना पैसे के बहुत कुछ हो जाए। मित्रों, मैं आप सबकी तरफ से गुरुजी के प्रति धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। पिछले एक डेढ़ घंटे तक हमने गुरुजी से जो भी सुना वह बहुत ज्ञानवर्धक था। और जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें अनलर्न करने में बहुत मददगार होती है, क्योंकि हम गुरुजी जैसे गुरुजियों से जो सीखते हैं, वी डोंट जस्ट लर्न बट वी आर कंपेल्ड टू अनलर्न मैनी थिंग्स। जब मैं इनकी बातें सुन रहा था तो मुझे गांधी जी के विचारों की गूंज सुनाई दे रही थी। गुरुजी ने कहा कि एक आदर्श समाज वह है जहाँ हम अपनी भौतिक चीज़ों के लिए बहुत दूर जाना ना पड़े, लेकिन ज्ञान वर्धन के लिए पूरे विश्व में घूमने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो गांधी जी की एक बात है, गांधी जी की जो स्वदेशी की कल्पना है, इट्स अ हाईली मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। मैं समझता हूँ कि गांधी जी की स्वदेशी की कल्पना बहुत आधुनिक कल्पना है और चिरंतन कल्पना है। कोई नई नहीं है, वह चिरंतन कल्पना है। तो गांधी जी कहते हैं, फॉर माय मटेरियल नीड्स द विलेज इज माय वर्ल्ड। फॉर माय मटेरियल नीड्स द विलेज इज माय वर्ल्ड। फॉर माय स्पिरिचुअल नीड्स द वर्ल्ड इज माय विलेज। गांधी जी ये भी कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंस इज एंड ऑट टू बी एज मच द आइडियल ऑफ मैन एज सेल्फ सफिशिएंसी। सो स्वदेशी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंटरडिपेंडेंस। तो गुरुजी ने हमारे ग्राम व्यवस्था जो थी इसकी जानकारी दे रहे थे, देयर वाज अ सर्टेन सिम्बायोसिस, लिविंग टुगेदर, हेल्पिंग ईच अदर, एंड देयर वाज आल्सो दैट
part of society which was, which, you know, whose duty was to all the time make the rest of society know through practice, through example, that material needs are not the only needs of man. हमें इससे आगे चलना है. और इसलिए इन्होंने जो कहा कि भिक्षावृत्ति, भिक्षावृत्ति यह एक गौरवान्वित वृत्ति थी. यानी आज हम भिक्षा, भिखारी, इसका एक बिल्कुल अलग अर्थ बन गया है. लेकिन हमारे समाज में जो भिक्षा वृत्ति से जीते थे उनका स्थान बहुत ऊंचा था. उस वह स्थान ऊंचा इसलिए था कि यानी मानव जन्म का अर्थ, इसका पर्पस, ये समझाने का काम उस वृत्ति से जो जीते थे उनका था. तो मित्रों, समय की सीमा है इसलिए वो उन्होंने अपना व्याख्यान खत्म कर दिया. नहीं तो एक धारा, बहती हुई धारा है ये, घंटों तक, सुबह से शाम तक गुरुजी बोलते रहते हैं. ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुजी यहाँ आए. ये पुणे आए थे. पुणे में गिरीश प्रभुणे जी, जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक मित्र हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. पारधी और अन्य नोमैडिक ट्राइब्स, यानी हम समझते हैं कि ये बहुत बहुत निर्धन हैं, बहुत गरीब हैं, लेकिन इन जातियों की जो समृद्धि है इसे समझकर इनके उत्थान के लिए काम करने वाले एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता गिरीश प्रभुणे जी हैं. तो गिरीश प्रभुणे जी के साथ दो दिन पुणे में रहकर गुरुजी यहाँ आए हैं. ऐसे ही बम्बई आते रहिए. आपने कहा कि बहुत दशकों के बाद वो बम्बई आए हैं और उन्होंने मुझसे बात करते हुए कहा कि देखिए इनके शब्द में कितना गहरा अर्थ है. तो उन्होंने कहा कि बम्बई में जो मैं आया था 60 के दशक में, उसके बाद मैं यहाँ फिर से आ रहा हूँ, लेकिन जो पहले जो एक नाद था वह नाद आज के बम्बई में नहीं है. फ्रेंड्स, यू नो, एवरी टाइम यू नो आई लिसन टू हिम एंड मेनी ऑफ अस इन दिस रूम हु हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ लिसनिंग टू हिम, वी फील दैट वी लर्न समथिंग न्यू. ही इज एन एनसाइक्लोपीडिया. एंड इट्स जैसे इन्होंने कहा कि जब वो बड़ौदा से आदिलाबाद लौटे तो उनकी तीव्र इच्छा थी कि जो भी बचे हैं 80 साल के, 90 साल के, उनसे सीखना. तो मैं समझता हूँ कि ये आज हमारी भी यह जिम्मेदारी है कि हम गुरुजी जैसे गुरुओं से हम सीखें. नहीं तो इतने ज्ञानी कहाँ हैं. तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी.